दिशा, मैं तुझसे बस यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज मत बुरा फील करना। वो चिराग तेरे लायक है ही नहीं। तुझे तो क्या, किसी को भी खुश नहीं रख सकता। और बहन होने के नाते मैं तुझसे बस, तुम मेरी बहन नहीं हो ईशानी, तुम सौतेली हो। ये बात ना मैं कभी भूलूंगी और ना मैं तुम्हें भूलने दूंगी। दिशा, जस्ट लीव मी अलोन ईशानी, जाओ यहाँ से, मुझे सोना है। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है जब पहली बार मैं तेरी माँ से मिला था, मेरी तो सांसें ही रुक गई थी। सांसें तो मेरी रुक गई थी, इतना गंदा महसूस किया था खुद को, और वो इतनी साफ सुथरी, बिल्कुल परी जैसी। साफ सुथरी तो वो हमेशा ही रहती थी, पर तूने उसको पहली बार देखा मतलब? जिंदगी उसी रोज शुरू हुई थी। जब उसे पहली बार देखा था। अच्छा अच्छा समझ गया, तो तू पैदा होते ही उसको देखा होगा, है ना? हे रणवीर, उसकी सबसे अच्छी चीज क्या है पता है तुझे? उसकी मुस्कुराहट। वो जब मुस्कुराती है ना तो हर जगह खुशियां ही खुशियां फैल जाती है। उसको चश्मा दिलाने का मन करता है। आंखें कमजोर हो गई है ना उसकी, उम्र हो गई है बाबा। क्या बोल रहे हो बाबा? अरे मैं तो, छोड़ो ना बाबा, एक तो मेरा दिल टूटा है, ऊपर से आप और कंफ्यूज कर रहे हो। रणवीर सुन 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 सुन, राज की बात बताऊं तुझे? हर इंसान की जिंदगी में तीन पड़ाव आते ही है। पता है पता है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। अरे नहीं रे, तीन पड़ाव यानी किशोर, रफी और मुकेश। हाँ, जब आदमी प्यार करता है ना तो किशोर के गाने गाता है, गाता रहे मेरा दिल। उसके बाद जब प्यार आगे बढ़ता है ना तो रफी के गाने गाता है, आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा। पर जब दिल टूटता है ना, फिर आता है मुकेश। किशोर, रफी, मुकेश। क्या बोले जा रहे हो? और तुमने शराब पी है? मैं नहीं, वो बाबा को कंपनी दे रहा था। तुम बोलो, तुम क्यों आई हो यहाँ पे, क्या काम है? एक जरूरी काम है, चलो मेरे साथ। ओ, मैं नहीं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ कहीं पे भी। ससुराल में भी मुझे लेके जाओगी क्या हर काम करने के लिए? ये बकवास करनी बंद करो, और अगर मैं कह रही हूँ कि मेरे साथ चलो तो तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। वैसे भी अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है, तो जब तक मैं आऊँ मेरा हर काम करना तुम्हारी ड्यूटी है। हाँ ठीक है, मेरी ड्यूटी अभी खत्म हो चुकी है, एंड आई एम ऑफ ड्यूटी नाउ, समझी? जब हजम नहीं होती तो इतनी पीते क्यों? जल्दी चलो वरना जितनी भी चढ़ी है ना सब उतार दूंगी। गाड़ी बाहर है, चलो। ओ माते, ड्रिंक एंड ड्राइव क्राइम है। तुम बस मेरे साथ चलो। ऐसे लेके जा रहे हो जैसे खजाना लूटने जा रहे हैं हम लोग। माय बेबीज, कैसे रहूंगी इन सब के बिना मैं? यह देख, ये वाला हमने दुबई से लिया था, और ये वाला साउथ अफ्रीका से। बस श्वेता बस, तुम्हारे इमोशनल होने से कुछ नहीं होगा, हमें ये सब बेचना ही पड़ेगा। एक मौका मिला था हमें अपने हालात सुधारने का, तुम्हारे बेटे की बेवकूफी की वजह से वो भी हाथ से निकल गया। उसे हमने फौरन भेजा था बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करने के लिए, उसे सोने और पीतल का फर्क भी नहीं मालूम। गए थे दिशा को पसंद करने के लिए, और उसने किसको पसंद किया? ईशानी को। कम इन। सब आपसे कोई बाहर मिलने आए। इतनी रात को कौन हो सकता है? मैम देखिए, आप ऐसे अंदर मत जाइए। I don't care. मैम मैंने कहा ना, वो अंदर मेहमान आए, उनके साथ बिजी है। मैम प्लीज। मैंने कहा ना मुझे चिराग से मिलना है तो मिलना है। मैम आप लोग अपने बेटे का रिश्ता क्या लेकर आए? हमारे घर के सारे रिश्ते उलझ गए, इसलिए इतनी रात को
बात करने आना पड़ा। देखो भाई, ये चिराग ने सारी बात बिगाड़ी है। किसी ने वो किया ना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना है, तो अब इसे ही सब ठीक करना होगा। इसे ही खुद ईशानी को ना बोलना होगा। मैं बात से सहमत हूं। मैं दिशा का दिल दुखाकर मेरी ईशानी की शादी नहीं कराऊंगी। ईशानी, तुम यहां क्या कर रहे हो? यही सवाल मुझे आपसे पूछना चाहिए मां। क्या जरूरत है ये सब करने की, यहां आने की? और आप इनसे क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हो? मुझसे बोल दिया होता मैं शादी नहीं करूंगी। ये मुझे क्या रिजेक्ट करेगा? मैं इसे रिजेक्ट करती हूं। मिस्टर चिराग मेहता, तुम्हें क्या लगा तुम मेरी बहन को रिजेक्ट करोगे, उसकी इंसल्ट करोगे और मैं यहां चुपचाप खड़ी रहूंगी? तुमने उसकी इंसल्ट की है, मतलब तुमने मेरी इंसल्ट की है। तुम मुझसे शादी करने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, समझे? चलो, जो काम तुम्हारे बेटे को करना चाहिए था इसने किया, तो यहां हमारा क्या काम? चलो फाल्गुन। चलो ईशान, मां आप चलिए, मैं रणवीर के साथ आई हूं। मैंने इसलिए मना किया क्योंकि तुम अपने आप को कहीं के राजकुमार समझते हो। But let me tell you, तुम हमारे घर आए थे किसी पार्टी में, नहीं कि एक लड़की का हाथ छोड़ के दूसरी का पकड़ लोगे। पहले भी कहा था, आज फिर बोलते हो। तुम्हारे इस एटीट्यूड से ज्यादा हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है। अब मेरा हाथ मांगने के बजाय तुम्हें दिशा से माफी मांगनी चाहिए। वेट, उसकी भी क्या जरूरत है? जिस आदमी से वास्ता ही नहीं रखना, उसकी माफी क्या और सजा क्या? ईशानी, तुम चिराग से मिली, बात हुई उससे? मैंने बा और फाल्गुनी माँ को देखा यहाँ पे, शादी की डेट पक्की करने के लिए आए थे क्या? और ईशानी, तुम गुस्से में लग रही हो, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है। जो बात मुझे चिराग से करनी थी मैंने कर लिया। पूछोगे नहीं क्या बात की? नहीं, मुझे नहीं जानना। पर मुझे बताना है। रणवीर तुम्हें पता है? रणवीर, तुम रो रहे हो? नहीं, वो मैंने बहुत दिनों के बाद पी ली थी ना, तो शायद हजम नहीं हुई, पेट दर्द हो रहा है। झूठ मत बोलो, मैं तुम्हें इतनी लेट यहाँ पे लेके आई, तुम्हें ड्राइवर की तरह ट्रीट किया, इसलिए बुरा लग रहा है ना? नहीं रणवीर, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, इसलिए तुम्हें लेके आए। तुम साथ रहते हो ना तो हिम्मत रहती है, वरना उस स्टूपिड चिराग को मना कैसे कर पाती मैं? क्या तुम चिराग को मना करने के लिए गई थी? हाँ, तुम्हारा तो पेट दुख रहा था ना। वो सब छोड़ो, पहले बताओ कि तुम किसके लिए मना करने के लिए गई थी? शादी के लिए, ऑब्वियसली। इसका मतलब तुमने चिराग को शादी करने के लिए मना कर दिया? हाँ रणवीर, अब प्लीज मुझे फोर्स मत करना हाँ कहने के लिए। अरे सवाल ही नहीं पैदा होता क्या? मेरा मतलब है, दिमाग में सवाल आया कि तुमने मना क्यों किया उसको? उसने हमारे घर आके दिशा को ना बोल के उसकी इंसल्ट की, तो मैंने उसके घर जाके उसकी इंसल्ट कर दी, सिंपल। हंस क्यों रहे हो? नहीं, वो मुझे लगा कि शायद तुमने मुझे ड्राइवर समझा तो मैं ही पागल हूँ।
अब हंसना बंद करो, मुझे बहुत भूख लगी है, डिनर भी नहीं किया। अरे तो फिर मरीन ड्राइव चलते हैं, अरे वहाँ पे पास में एक छोटी सी गली है, चाचा के समोसे और चाय बड़ी अमेजिंग मिलती है, खाना तुमको? हाँ। अच्छा सुनो, म्यूजिक लगाओ ना, और आज सिर्फ किशोर और रफी सुनेंगे, नो मुकेश। एक मिनट बा, क्या हुआ, कुछ भूल गई? कुछ याद दिलाना था। क्या? यही कि हम दोनों आज साथ में सिर्फ इसलिए खड़े हैं क्योंकि हम दोनों ही दिशा से प्यार करते हैं, लेकिन हमारा ये साथ सिर्फ तब तक रहेगा जब तक चिराग और ईशानी की शादी की बात खत्म नहीं हो जाती। मुझे नहीं लगता कि हम दोनों की उतने दिन भी पटेगी। साढ़े पांच बज गए, पापा तो सो ही होंगे। पापा? अरे अरे पापा, सुबह सुबह किधर? मोटा बाबूजी तो उठे भी नहीं होंगे अभी तक। अरे इस वक्त मैं तेरे मोटा बाबू से मिलने नहीं जा रहा हूँ, बल्कि इस वक्त मैं किसी और से मिलने जा रहा हूँ। इतना सज धज के, और ये गजरा किसके लिए? वो मेरा बेटा है, मेरा बाप नहीं जो इस तरह के सवाल करे मुझसे। और है कोई जिसे मैं छुप छुप कर मिलने सवेरे सवेरे जाता हूँ? चल जाने दे मुझे। और बाबा कौन है वो जिसके लिए आप मेरी माँ को धोखा दे रहे हैं, बताइए? अरे उसको देखेगा तो अपनी गांव वाली माँ को भी भूल जाएगा। चल मेरे साथ, चल दिखाता हूँ। अरे समोसे लाया था मैं, एक सेकंड रुकिए, आया। अचानक कैसा? ये क्या, सर पे चोट कैसे लग गई? हाँ अरे माँ वैसे तो चलता रहता है, तू आ गई ना, अभी एकदम हैप्पी हो गया हूँ मैं तो। गजरे वाली ये है ए, कैसी? अरे एकदम सुपर हिट, अभी माँ मेरे साथ ही रहेगी सारा टाइम, तब तक जब तक ये यहाँ पर है। अब मैं इधर ही रहूंगी हमेशा। हमेशा के लिए? हाँ, सर पे 1,00,000 का कर्जा हो गया था, उसे चुकाने के लिए जमीन पहले से ही गिरवी थी और अब तो घर भी चला गया। जब 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई ना, तो तेरे बापू ने कहा सीधे इधर आ जा। तू आ गई ना माँ, सब ठीक हो जाएगा, बस तू रो मत, क्योंकि पुष्पा, ए पुष्पा, I hate tears रे।